ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि वो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं, ज्योतिर्मठ की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जोशीमठ आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे। शंकराचार्य ने आपदा पीड़ितों से सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की है। तो विनोद शंकराचार्य जी फिर से आगे आए हैं, पहले भी कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की थी और अब वो कह रहे हैं कि वो नैनीताल भी जाएंगे, नैनीताल हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे लोगों की हर संभव मदद करने के लिए। बिल्कुल, देखिए कल अलग अलग क्षेत्र में जाके यानी जोशीमठ के तमाम जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं, जिनको भवन हो, धर्मशाला हो, होटल्स हो, वहाँ पर उनको रखा गया है, यानी वो उनको अभी रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सभी लोगों से मुलाकात की है और आगामी 12 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाईकोर्ट का, उसके बाद में साफ तौर पर शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे ही कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं उसके बाद जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अच्छी पैरवी होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है तो कोर्ट में उनके लिए अच्छी पैरवी करने का काम यहां पर होगा। कल सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर शंकराचार्य ने उनसे मुलाकात की है, ढांढस बंधाया है, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं उनके सामने क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है और होटल हो, धर्मशाला हो, सरकारी भवन में वो समय गुजार रहे हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों के सामने बढ़ती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में सरकार किस तरीके का डिसीजन लेती है उसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जोशीमठ के जो हालात है बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन सबका जो आपदा प्रभावित परिवार है सबकी नज़रें केवल रिपोर्ट्स के बाद है कि रिपोर्ट जैसे ही एनडीएमए को सौंप दी जाएगी उसके बाद में सरकार किस तरीके के डिसीजन लेती है। लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर ने सभी आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और जिस तरह से जैसे ही 12 फरवरी के बाद में माननीय नैनीताल हाईकोर्ट के जो शीतकालीन अवकाश है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए गंभीरता से पैरवी की जाएगी ताकि सरकार उनके लिए कोई ना कोई अच्छा विकल्प सोचे और जल्द से जल्द उनका विस्थापन और पुनर्वास का काम पूरा कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 12 बजे पार्टी कार्यालय में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। तो भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ 12 बजे पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।